तो जब भी हम अपना घर डिजाइन कर रहे होते हैं, अब चाहे वो हम खुद कर रहे हैं या फिर हम किसी डिजाइनर से करवा रहे हैं, तो हमें हर किसी के डिसीजन की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हस्बैंड डिजाइन करवा रहे हैं तो वाइफ से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर पेरेंट्स है तो उनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो आप आपस में कन्विंस हो जाओगे या फिर किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर मैं कहूं कि आपके घर में एक ऐसी जगह है, आपके नहीं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके घर में एक ऐसी जगह है जिसमें हर कोई अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा, अगर कोई बड़ा बच्चा है उसको ब्लू चाहिए तो ब्लू मिलेगा, अगर कोई लड़की है उसको कोई और कलर चाहिए तो उसको वैसा कलर मिलेगा, और वो जगह आपके घर में है और वो होती है बे विंडो। दैट्स राइट। लेकिन अब सीधा आदमी कुछ लोग कहेंगे कि मनीष हमारे घर में तो बे विंडो ही नहीं है। डोंट वरी, इंटीरियर कोच है तो मुमकिन है और आपके घर में भी बे विंडो है। नहीं है तो अभी बना देते हैं। तो जो बे विंडो बनती है वो टोटल बनती है 7 एलिमेंट से बस। अब आपके घर में 6 एलिमेंट तो ऑलरेडी हैं, बस गाड़ी रुकती है सिर्फ एक एलिमेंट पे, और वो होती है, पहले 7 एलिमेंट देख लेते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स स्पेस, दूसरा होता है विंडो, तीसरी होती है हमारी सिटिंग, चौथा होता है हमारा कर्टेन या ब्लाइंड्स, पांचवा होता है हमारा लाइटिंग, सिक्स होता है वॉल कलर, एंड सेवन होता है वॉल पैनल। अब इन 7 में से 6 पॉइंट्स तो हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, वो हमारे घर में नहीं होता है। तो बे विंडो पहले दिखती कैसे उसकी थोड़ी सी फोटोज देख लेते हैं जिससे कि सबको पता रहे, क्योंकि कुछ लोग इसको विंडो सिटिंग बोल देते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं सिटिंग नियर विंडो या बे विंडो। तो पहले कुछ फोटोज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके घर में ये वाली स्पेस, मतलब बे विंडो की स्पेस नहीं है, और जिनके घर में ऑलरेडी है वो सीधा इस वीडियो के सेकंड स्टेप पे चले जाओ, वहां से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। इनमें आते हैं दो ऑप्शन, फर्स्ट जिनका फ्लैट है और दूसरा जिनका इंडिपेंडेंट घर है। तो एक बे विंडो के लिए हमें नॉर्मल जो रूम का साइज चाहिए वो चाहिए 12 feet by 14 feet का। अगर इतना है या इससे ज्यादा है तो बे विंडो आसानी से बन जाएगी, और अगर इससे छोटा है तो भी बन जाएगी, बस शर्त है कि वार्डरोब जो है वो किसी और पर्टिकुलर डेडिकेटली स्पेस में होनी चाहिए, आपके इस रूम के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में प्लेन वॉल्स हैं चारों तरफ, मतलब चारों वॉल्स प्लेन हैं, विंडो है, लेकिन हमारे पास अब बे विंडो तो है नहीं, ना हम अगर फ्लैट के ओनर है तो हम उसको तोड़ के बाहर नहीं ले जा सकते, तोड़ के दीवार को अंदर नहीं ले सकते, तो क्या करें? तो इसके 4 से 5 तरीके होते हैं, बताऊंगा नहीं, सीधा फोटो पे एक्सप्लेन करूंगा, वहां से आपको इजीली समझ आएगा। अब बेसिकली बे विंडो बनाने के लिए हमने क्या बात करी थी कि बॉक्स होना चाहिए। तो अगर अब आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये एक प्लेन वॉल थी, जिस प्लेन वॉल के अंदर यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली एक अलग से वुडन की शेल्फ बना दी, जिससे कि ये जो चीज है ऑटोमेटिकली बाहर आ गई। सेम सिनेरियो में ये वाली एरिया भी बाहर आ गया। अब ऑटोमेटिकली प्लेन वॉल थी वो बन चुकी है बे विंडो, क्योंकि हमें बे विंडो के लिए क्या चाहिए, एक डीप चीज चाहिए जो कि इतना हो, तभी जाके हमारा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बन पाएगा। बस ये थी सिंपल सी ट्रिक। अब आप कहोगे यार मनीष हमारा थोड़ा सा ना बजट का इशू है या इसका भी इशू है, मतलब कि डेप्थ का या विड्थ का भी इशू है, तो चिंता मत लो, बिना कम से कम खर्चे का भी एक आपको उपाय बता दूंगा, लेकिन वीडियो के बीच में, नहीं तो आप वीडियो स्किप कर दोगे, वो मैं चलते चलते वीडियो में एकदम से एक रील डालूंगा जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मान लो कई लोगों के घर में अगर ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ है तो वो इस तरह के का बे विंडो बना सकते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, अलग से आप या तो ये फॉल्स पार्टीशन कर सकते हैं और इसके अंदर ये बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में आपकी जो वॉल की डेप्थ है वो थोड़ी सी कम हो गई। अब जो मैंने क्या बोला था आपको कि एक बढ़िया सा जुगाड़ दे देते हैं, वो है ये, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे, मैं एक बार एडिटर खोल लेता हूं, यहां पे ध्यान से देखोगे, वैसे मैंने ऑलरेडी मार्क किया होगा आपके लिए, यहां पे आप देखोगे प्लेन वॉल चल रही है, यहां से यहां तक विंडो की पूरी प्लेन वॉल है, लेकिन इसको बॉक्स की फील देने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पेलमेट या लकड़ी की पैनलिंग बना दी जो थोड़ा सा बाहर निकली हुई है, ये देखो अब, और यहां पे हमने इसको फ्लोटिंग कर दिया, और यहां पे क्लोज ना करने के लिए थोड़ा सा व्यू के लिए हमने क्या डाल दिया, पार्टीशन। अब ये क्या बन के दिखाई दे रहा है, पूरा एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर आपका हो गया जी रेडी। अब आप कहते हो यार मनीष हमारा तो लकड़ी का नहीं, कुछ और भी जुगाड़ है, बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको अपना ब्रिक वॉल से कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये बेड है, यहाँ पे ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार को यूज कर लिया, इस तरफ हो गई स्टडी टेबल, इस तरफ हो गया बे विंडो। अब जिनके रूम का साइज, अब चाहे ड्राइंग रूम हो बेडरूम हो, जिनका साइज छोटा है 12 by 14 से, या 12 by 10 हो सकता है या 12 by 12 हो सकता है, तो इस सिनेरियो पे आपको क्या करना है, आपको यूज करना है फ्लोटिंग लेज।
अब कुछ लोग कहते हैं यार मनीष हमारे तो रूम में इतना कंजेस्टेड हो रहा है तो हम ये फ्लोटिंग लेज के चक्कर में कैसे पड़े यार, नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आपको अभी तक मजा नहीं आ रहा, बे विंडो नहीं बन पा रही, मनीष सरावत इंटीरियर कोच है ना, यहाँ पे आपको यूज करनी है अपनी बालकोनी। दैट्स राइट, बालकनी तो सबके घर में होती है ना, अब ड्रॉइंग रूम में चाहे बेडरूम में, एक तो बेडरूम में होती ही होती है। तो आप हस्बैंड है या वाइफ है, आप अपना एक अलग जोन बना पाएंगे। रीजन, क्योंकि बे विंडो एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पे आप मी टाइम गुजार सकते हो। सपोज करो जैसे वाइफ, अब सारे दिन भाई घर चले गए, उनको खाना वाना बना के दे दिया, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो अब सारे दिन वाइफ को भी तो अपना मी टाइम चाहिए ना यार। तो वो एक एरिया ऐसा कोजी कॉर्नर होना चाहिए जिसमें बैठे कपल बैठ जाए, बात कर ले, बच्चे बैठ जाए, मतलब नाराज हो गए तो वो कॉर्नर, खुश हुए तो वो वाला कॉर्नर। अब ये बे विंडो नहीं है तो चलते हैं सीधा कहां, अपने बालकनी के ऊपर। तो ये मैं सीधा आपको फोटोज दिखाऊंगा और ये देखेंगे कैसे कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बालकनी को बे में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो इसमें 3 से 4 ट्रिक्स जरूर ध्यान रखना, नहीं तो कल को सीलन पपड़न पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, सारी चीज खराब हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सामने की तरफ आपके क्या है, स्लाइडर्स लगा दिए गए यूपीवीसी के, बेसिकली ओपनेबल शटर्स हैं जिसमें ब्लाइंड्स लग गए, तो अब बालकनी को कर लिए कवर। अब नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पे स्टोन नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा आपको एक ड्रेन चैनल डालना है इस तरफ, जिसके ऊपर आप पेबल्स डाल सकते हो। अब आप फोटो देख रहे हो, आप इसमें चाहो तो ड्रेन लगा के पेबल भी डाल सकते हो, या टाइल्स का कट पीस निकलवा के उसमें वाटरप्रूफिंग करके उसमें पेबल डाल सकते हो, और नहीं तो आप पूरा ड्रेन चैनल डाल सकते हो। ड्रेन चैनल हो गया हमारा कुछ ऐसा जो आप फोटो में देख पा रहे हो, और भी इसमें बहुत सारे डिजाइन आते हैं जो आप चाहो वो रख सकते हो। अब आते हैं भाई उनके घर पे जिनका इंडिपेंडेंट घर है लेकिन उनमें बे विंडो नहीं है, तो अब क्या करें, आपको बेसिकली करना नहीं है, जो आपकी विंडो है पहले तो उसको निकलवा के फेंक देना है। उसके बाद रीबारिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कहते हैं ना कि लेंटर को थोड़ा एक्सटेंड कर लो, छज्जा को थोड़ा बढ़ा लो, बस वो काम करना है। और वो कराने के बाद क्या दिखाई देगा, जरा फोटो देखो, अब जो आता है दूसरा बे विंडो में वो होती है विंडो। दैट्स राइट, कि अगर बे विंडो में विंडो अच्छी नहीं हुई या उसका साइज अगर ढंग का नहीं हुआ तो पूरी बे विंडो की फील हो जाएगी बेकार। तो अब विंडो आपको फ्लोर से हमेशा 2 फुट ऊपर रखनी है, विंडो की हाइट मिनिमम 6 फुट होनी चाहिए, विंडो की विड्थ मिनिमम 6 फुट होनी चाहिए, और विंडो का डिजाइन 3 हिस्सों में होना चाहिए जिसमें सेंटर जो पार्ट है वो होता है 60% और जो बाकी का रेस्ट लेफ्ट और राइट में पार्ट होगा वो होगा 20% इस तरफ 20% इस तरफ। अब अगर आप कहते हो यार मनीषा हमें थोड़ा सा और एनहेंस करना है लुक को, या व्यू की मतलब इतना कोई टेंशन नहीं है और हमारे यहाँ सामने व्यू इतना अच्छा भी नहीं है, तो फिर उस व्यू की फील को लेने के लिए आप वहां पे जॉर्जियन बार को एड कर सकते हो। बट हाँ, जॉर्जियन बार महंगे आते हैं, तो उसका जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि आप MDF की पैनलिंग CNC कटिंग से कराओ, चुपचाप लगा दो। ओके, तो स्टेप 4 आता है कर्टेन या ब्लाइंड्स। तो अब जैसा कि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस बे विंडो को हमें कन्वर्ट किसमें करना है, अपने मी जोन में, अपना एक ऐसा जोन जहां हमें किसी की नहीं सुननी, कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई एडवाइस नहीं चाहिए, वेयर आई वांट टू बी मायसेल्फ। इस सिनेरियो में आपको यहां पे 2 कर्टेन यूज करने हैं, एक होता है ब्लाइंड्स जो कि वुडन ब्लाइंड्स है जो लगेंगी आपके शीशे पे मतलब जहां विंडो है, और दूसरी आपकी लगेगी जहां से बे विंडो स्टार्ट होती है, और जो दूसरा है जहां पे विंडो शुरू हो रही है वो होना चाहिए शीयर, कोई ब्लैकआउट या ऐसा कोई पर्दा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शीयर होना चाहिए, कलरफुल ले सकते हो, व्हाइट बट मैं कहूंगा व्हाइट लेना मजा आ जाएगा भाई। अब वुडन ब्लाइंड्स क्यों चाहिए, क्योंकि वुडन ब्लाइंड से हम अपने घर में जो लाइट आ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो सनलाइट बेसिकली आ रही है। दूसरा, हम अपनी प्राइवेसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि यार शीयर क्यों, भाई शीयर इसलिए डालना है क्योंकि मी जोन तो तभी बनेगा जब वो थोड़ा सा एनक्लोज्ड हो, लेकिन शीयर ही क्यों डालना है, क्योंकि अगर हम सीधा प्लेन कर्टेन डाल देंगे जो ब्लैकआउट वाला होगा तो हम बाहर की तरफ नहीं देख पाएंगे और बहुत कंजेस्टेड सा लगेगा, तो यहाँ पे आपको डालना भैया शीयर। ट्रस्ट मी, करके देखो, ना मजा आए तो भाई कमेंट डाल देना, और क्या बोलूं, सच बताऊं आप अपने बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग, किचन, इन सबसे ज्यादा टाइम अपना बे विंडो में स्पेंड करने वाले हो। ये एक मैं रिजॉर्ट में गया था तो वहां पे लड़ाई ये हुई थी हमारी टीम के कि यार यहां पे रुकेगा कौन, राजस्थानी स्टाइल में था। तो अब आता है पॉइंट सिटिंग में, यहां पे 2 ऑप्शंस आते हैं। तो पहला हुआ सिटिंग जिसमें आपने काउच रख दिया, प्रॉपर सोफा रख दिया, या अपनी 2 चेयर और 1 कॉफी टेबल रख दी कि अगर कपल हैं या बच्चे हैं एंजॉय करना चाहते हैं। अब जो बे विंडो है अभी तक के मेन एलिमेंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो बेसिकली अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है लाइटिंग।
मैं हमेशा अपनी वीडियो में क्या बोलता हूँ, घर के अंदर 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, आपके घर में अगर लाइट्स का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड लाइट की प्लेसमेंट नहीं ठीक हुई तो आप घर में कितना ही पैसा लगाओ वो लगेगा बेकार। अब देखते हैं लाइटिंग के कुछ इफेक्ट्स, जो कोजी लाइटिंग अगर चाहते हो तो क्या करना है। तो अब यहाँ पे कोजी कॉर्नर देख लेते हैं। यार ये देखो, अब मैं आपको कुछ ऐसे और ऑप्शंस दिखा देता हूं कि अगर आप बे विंडो में कुछ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना चाहते हो, क्योंकि डिजाइन तो यार फिर 1 लाख बन सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे डिजाइन मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, अच्छे लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसे करा सकते हो। अगर आप लेमिनेट में जाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लूअर्स में तो ऐसा, सॉलिड वुड में कुछ ऐसा। अब आते हैं कलर के ऊपर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन ट्रिक बता देता हूं। आप कंटेम्प्ररी मतलब कि चेयरफुल हो, हमेशा एनर्जी में रहते हो, जोश में रहते हो, हाँ उल्ले वाले हो, तो फिर आपको यूज करने हैं ब्राइट ऑफ येलोस, ऑरेंजेस, ग्रीन्स या फिर डार्क में नेवी ब्लू में जा सकते हो। अब आप चाहते हो नहीं यार ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए, नॉर्मल रखेंगे, सिंपल एंड सोबर रखना है, तो उसमें आपको जाने हैं अपना मिनिमल कलर्स। मिनिमल मतलब कि जैसे कि हमारे किसी भी कलर का लाइटेस्ट शेड। तीसरा जो आता है वो होता है लग्जरी थीम, और लग्जरी थीम मैं हर वीडियो बनाते हूँ, अगर आप एक सब्सक्राइबर हो तो कमेंट करके बताओ कि लग्जरी के वो 3 फैमिली कलर कौन से है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। 31st ऑफ मार्च को हमारा कैंपेन शुरू होने जा रहा है और हम आ रहे हैं इंडिया को ब्यूटीफुल बनाने, और उससे भी बड़ी चीज इंटीरियर रूटीन एंड यू के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने रहे कि जो हम आपको सिखा रहे हैं वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से है। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड नाइट।